अगर अब मेरे को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है जिसमें हार्ड डेटा स्ट्रक्चर्स, फेनविक ट्री, सेगमेंट ट्री, नंबर थ्योरी, ये सब कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, मैं थोड़े हार्ड डेटा स्ट्रक्चर सीखूंगा, बहुत अच्छा बनूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो अगले 6 महीने का मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेज होऊंगा या मैं 6 स्टार ऑन कोड शेफ होऊंगा, कुछ ऐसा होगा कि मेरा रिज्यूमे स्टैंड आउट होगा। और उसके लिए क्या होगा, अगेन शुरू के 3 महीने तुम्हें हार्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे, साथ साथ तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे बट उतने अच्छे नहीं होगे, बट शुरू के 3 महीने कॉन्सेप्ट सीख सीख के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर करके एक बेस सेट होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स तुम बहुत सारे कॉन्टेस्ट दोगे, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो फोड़ दोगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अब तुम्हारे पास क्या है कि मैं कैंडिडेट मास्टर हूं कोड फोर्सेस पे और मैं डेटा स्ट्रक्चर में तो अच्छा ही हूं। नाउ ये काफी लोग नहीं होते हैं, तो तुम्हारे पास एक एक्स फैक्टर आ गया रिज्यूमे पे कि हाँ यू हैव अ प्रूफ कि यू आर ग्रेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये वाला बात भी चुन सकते।